नमस्कार, विवेक गुप्ता बात कर रहा हूँ। सो देखिए, हरियाणा सरकार ने सीट मैट्रिक्स निकाल दी है, और सीट मैट्रिक्स तो वैसे सभी निकालते हैं और मैं सबका वीडियो नहीं बनाता, लेकिन एक पर्पज़ है जिसकी वजह से मैं हरियाणा का बना रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा को लेके आपको पता है वो बॉन्ड को लेके बड़ा इशू था इवन लोकल हरियाणा वालों में। और मैं पहले वीडियो बना के आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे अब ये जो इफेक्टिवली बॉन्ड है वो 2 साल और 10 लाख रुपये का रह गया है हरियाणा के सारे कॉलेजों में। तो 2021 में ये बॉन्ड लाया गया था, तब तो ये 7 साल और 40 लाख का लाया गया था, फिर इसको घटा के 5 साल और 30 लाख करा। अभी भी वही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप पीजी करते हो इंडिया में किसी भी कोने से, तो फिर वो पीजी के 3 साल भी 5 साल में इंक्लूड हो जाते हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि सारे बच्चे आजकल पीजी करेंगे, खासकर जो हरियाणा का सरकारी कॉलेज क्रैक करेगा और वो सरकारी पीजी करेगा, इसलिए ये बॉन्ड बच गया 2 साल और 10 लाख रुपये का। बट फिर भी हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में एक कॉलेज है, क्योंकि वो ESI है, तो उसका बॉन्ड अलग चलता है, जो कि हम जानते हैं 1 साल और 5 लाख रुपए का होता है। तो फिर भी आज इस समय एग्जैक्टली गिनकर आप देखते हैं 7 कॉलेज हैं हरियाणा में जो सरकारी टाइप में आते हैं। महाराज अग्रसेन को लेकर हमेशा लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सरकारी है कि प्राइवेट है, क्योंकि वैसे हर लिहाज से सरकारी है। देखिए, इसकी लिस्ट भी सरकारी में लगी हुई है, लेकिन इसकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में नहीं आती, तब ये प्राइवेट हो जाता है। तो बड़ा ही ये अजीब किस्म का कॉलेज है। ओके, तो इन 7 में चॉइस फिलिंग कैसे करें? तो अब चूंकि वो बॉन्ड खत्म हो गया है, तो देखिए, और फिर भी जो महाराज अग्रसेन है उसकी फीस 2 लाख रुपए साल की है, 1,80,000, बाकी सब 1 लाख से नीचे है। अटल बिहारी वाजपेयी चाहे नया आया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद में आया है, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा नंबर 1 सभी रखते हैं, ये जो हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे आपकी चॉइस है कि आप ESI लोग रख रहे हैं बिकॉज ऑफ द बॉन्ड थिंग, और उसके बाद आप नंबर 3 पे कल्पना चावला रख सकते हैं। भगत फूल सिंह वैसे ललित गोगोई कॉलेज है और कोई बहुत खास लोकेशन में नहीं है, तो मैं सभी के लिए फिर भी कहूँगा कि नंबर 4 पे आप अटल बिहारी फरीदाबाद रखिए, अच्छी लोकेशन, सब कुछ अच्छा। उसके बाद 5, 6, 7, 5 और 6 पे, मैं लड़कियों के लिए 7 है, लड़कों के लिए तो है ही 6, तो नंबर 5 पे शहीद हसन खान मेवाती और नंबर 6 पे महाराज अग्रसेन अग्रोहा रखा जा सकता है। गर्ल्स जिनका भगत फूल सिंह आएगा वो उसको डेफिनेटली शहीद हसन मेवाती से ऊपर नंबर 5 पे रख सकती हैं। सबसे बड़ी बात है प्राइवेट को लेके, और जैसा कि इससे क्लियर 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 होता है कि 6 कॉलेज हैं हरियाणा में, जिसमें 3 कॉलेज पंडित भगवत दयाल शर्मा के अंडर आते हैं, और जिसकी डिग्री आपको सेम पंडित भगवत दयाल शर्मा के थ्रू दी जाती है, तभी इनको अलग से लिखा गया इन 3 को। आदेश, NC और वर्ल्ड मेडिकल, तीनों में मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि NRI सीटें होती हैं, और यही NRI सीटें हैं जो लास्ट राउंड में कन्वर्ट होके राउंड 3 में नॉर्मल सीट बनती है, और जिससे कि हमको फायदा होता है काफ़ी, हमको चांसेस होते हैं कि हमें लास्ट राउंड में भी ये सीट मिल जाएगी, राइट। सो टोटल मिला के ये जो सीटें हैं ये अपना हरियाणा डोमिसाइल के लिए होती हैं, ये नॉन हरियाणा डोमिसाइल के लिए, और 11 11 सीटें हर कॉलेज में NRI सीटें हैं, 64 जमा 11 75 सीटें बनती है यहाँ पर, और ये भी 75 ही बनता है टोटल इसका टोटल, क्योंकि हर कॉलेज में हरियाणा में 150 सीटें ही तीनों कॉलेजों में हैं। बट 150 का 15% नहीं, 75 का 15%, मतलब कि 11 सीटें आपको NRI मिलती हैं, क्योंकि बाकी जो 75 सीटें हैं वो हरियाणा वालों के लिए हैं जो हरियाणा डोमिसाइल हरियाणा पहचान पत्र देता है। देखिए, हरियाणा में कोई फीस माफ़ नहीं है, फीस सबकी सेम है, तो फर्क ये होता है कि बस आपकी कट ऑफ अलग चलती है, राइट। तो लेसर कॉम्पिटिशन होता है अगर आप हरियाणा का कागज लगा लेते हो। फिर इसके अंदर कोई किसी को पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है वो अलग चीज़ है, तो ये चीज़ का भी अगेन ध्यान रखना जरूरी होता है कि हरियाणा में स्टेट कोटा है पर कोई माफ़ी नहीं है। देखिए, यूपी में है ही नहीं, प्राइवेट की बात करूँ, लेकिन हिमाचल में अगर है, उत्तराखंड में है, अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो फिर उनकी फीसें भी कम है ना, सोलन में या तीनों कॉलेज उत्तराखंड के, पंजाब तो क्लोज स्टेट ही हो गया, राजस्थान भी अगर राजस्थान डोमिसाइल के लिए तो मतलब फीस खैर में कम नहीं है, लेकिन वो उनके लिए है। मध्य प्रदेश है उसकी बात अलग हो गई, छत्तीसगढ़ वैसी कम फीस ले रहा है, बट एक हरियाणा एकमात्र स्टेट ऐसा है जिसमें रिजर्वेशन तो है स्टेट डोमिसाइल के लिए, आधी सीटें, बट फीस में कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, अभी नया आ गया है साधोपुर का, इसमें चेंज है, क्योंकि देखिए ये जो 3 कॉलेज थे पंडित भगवत दयाल में आते हैं, साधोपुर में चेंज है। साधोपुर में ये जो स्टेट कोटा है इसके अंदर 35 सीटें दी गई हैं, तो बाकी एक तरह से 115 सीटें, 113 सीटें रखी गई हैं, क्योंकि 75 और 25% किया गया है इसमें, जबकि बाकी 3 कॉलेज में 50-50% था। तो
तो 75% मैनेजमेंट सीटें हैं, तो उस 75% का फिर 15% एनआरआई हो गया। इन तीनों का जो पूरा ये फीस है वो 12 लाख से स्टार्ट होती है पर ईयर, 7.5% हर साल इंक्रीमेंट होता है, सब कुछ मिला मुलू के हॉस्टल मिला के आपको 70-72 लाख के तीनों कॉलेज पढ़ते हैं। ये जो कॉलेज ऐसी फीस आई है 17 लाख रुपए साल की, बट विद एनुअल इंक्रीमेंट जो आपको यहाँ लिखा मिल रहा है फीस में, और जिसकी वजह से जो इसकी नेट फीस है वो 1 CR क्रॉस कर रही है। ठीक है, सेम SGT में अगर आप देखेंगे तो वही है 25% और 75%, और अल्फला में आप देखेंगे तो थोड़ा इसमें और यूनिक चीज़ है, क्योंकि इसमें पहले एक मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट है और जनरल मैनेजमेंट, और दोनों में से ही सीटें NRI के बाहर निकाली गई हैं, लेकिन पूरी नहीं निकाली गई हैं, बड़ा हिसाब से निकाली गई हैं, मतलब 75 में से 6-6 सीटें और 150 में से 12 सीटें, तो 15% से कम है, और इसकी जो डिग्री है वो अल्फला देता है आपको। राइट, फिर ये BDS आ गए। देखिए BDS, अब हरियाणा की बात करें तो जो मैं आप लोगों को हमेशा समझाता था, आई थिंक वो हो गया है, और सीट मैट्रिक्स में से यमुना डेंटल कॉलेज बाहर निकल गया है, सॉरी है। तो देखिए दो कॉलेज अब यमुना नगर के बचे हैं, यमुना इंस्टीट्यूट और JN कपूर जो बड़ा फेमस है DAV। तो अगर मैं इसकी फिर से शॉर्ट लिस्ट की बात करूं, पहले सॉरी मैंने आपको सरकार का बताया था, प्राइवेट में देखिए तो SGT और साधोपुर दोनों का 1 करोड़ रुपए का पैकेज पड़ता है, तो आप सोच समझ के भरिए, साधोपुर इसी साल आया है, SGT पुराना है, बाकी चारों कॉलेज 75 लाख के रेंज में पढ़ते हैं, ये मुस्लिम माइनॉरिटी है पर बेटर कॉलेज है। हरियाणा के 6 में 2 कॉलेज NC मेडिकल और वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस झज्जर आर नॉट वेरी गुड कॉलेजेस, मतलब मेरे ब्रैकेट में ये नंबर 3 वाले ब्रैकेट में आते हैं, बिल्कुल काम चलाओ वाले कॉलेज, तो आप सोचिए, और फिर भी मैं अल्फ लॉक दोनों के ऊपर रखता हूँ। तो दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि 75 लाख की रेंज में 4 ही कॉलेज हैं, तो बाई डिफॉल्ट आदेश नंबर 1 बन जाता है, अल्फला नंबर 2, NC नंबर 3 और झज्जर नंबर 4। SGT अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर देन ऑल दिस कॉलेजेस। साधोपुर इस साल नया आया है, लेकिन तीन लेकिन ग्रुप आपको पता है बहुत सॉलिड है, MM वालों का, जिनके 2 शानदार कॉलेज चल रहे हैं मुलाना और सोलन में। ठीक है, तो आप सोच समझ के इसके चॉइस फिलिंग करेंगे। BDS अगर कोई अभी भी कर रहा है तो जैसे मैंने बताया BDS के 6 टोटल 6 कॉलेज बचे हैं, 7 हैं वैसे तो एक्चुअली, एक SGT के अंडर भी है BDS जो पहले बता दिया गया हो इन्होंने। हाँ, तो ये था SGT डेंटल। SGT की फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, और यहाँ पर लिखा होगा SGT की फीस फॉर मेडिकल कॉलेज फॉर BDS, इन्होंने भी लॉन्च करा है, MMU साधोपुर ने। तो इसके अलावा ये 5 कॉलेज अब बचे हैं, पहले फरीदाबाद में है सुधा रुस्तागी, हम जानते हैं कि मानव रचना फरीदाबाद भी है पर वो ड्यून में आती है, ध्यान रखिएगा। तो जो डेंटल कॉलेज की हम बात करें दिल्ली के आसपास, जो बिल्कुल दिल्ली के आसपास पढ़ते हैं यूपी के अलावा, यूपी में तो कोई प्राइवेट डेंटल कॉलेज है ही नहीं, सिर्फ एक कॉलेज है जो कि मौलाना आजाद के अंडर आता है, और एक ड्यून में आता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, एक मानव रचना हो गया। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा एक पंचकुला में है स्वामी देवी दयाल, 2 यमुनानगर में है, एक फरीदाबाद में है और एक सिरसा में है, तो सिरसा अपना दूसरी तरफ हो गया जिसको वहाँ के वहाँ पढ़ना है, और फिर एक PDM अपना बहादुरगढ़ में हो गया, और सरकारी में PGM एस रोहतक में BDS होती है, हम सभी जानते हैं। इन 5ों की मैं बात करूँ तो DAV कॉलेज यमुनानगर बहुत फेमस है एंड वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस ऑफ BDS इन हरियाणा एज वेल एज द एंटायर नॉर्थ इंडिया। तो ये है आपके लिए अपडेट, इसको देख के आप चॉइस फिलिंग कीजिए, हरियाणा के फॉर्म के साथ साथ चॉइस फिलिंग ओपन है, चॉइस फिलिंग कीजिए, चॉइस को लॉक कीजिए। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।